नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश की तूती बोलती है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो उनके आदेश को मानने से इनकार कर दे। बुलडोजर चलाना हो या बदमाशों को मिट्टी में मिलाना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी ये काम करते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव थे। उन्होंने आदेश दिया था कि यूपी में कांवड़ यात्रा के समय पर सभी दुकान रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखेंगे, ताकि पता चल सके कि वो किस जाति धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अनहोनी ना हो। मगर अब सीएम योगी के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को नोटिस तक भेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में लगातार चल रहे नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की है, मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। अब इस फैसले पर जस्टिस भट्टी की इस टिप्पणी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है, और माना गया है कि दुकान पर साफ सफाई की ज्यादा महत्ता है, ना कि दुकानदार किस जाति या धर्म का है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी नेम प्लेट से संबंधित आदेशों पर रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा है। देखा जाए तो अब इस फैसले के बाद जाहिर है कि विपक्ष योगी सरकार और पूरी भाजपा सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं रहने वाला। मगर सवाल वाकई एक बनता है कि आखिर ऐसे आदेशों से राज्य सरकारें क्या वाकई अपनी मुसीबतें कम कर सकती हैं या फिर बढ़ा ले रही हैं? आस्था बचाओ विवेक जलाओ के कॉन्सेप्ट पर काम करना आखिर कितना सही है, क्योंकि भारत ने लंबे समय से खान पान की मिली जुली संस्कृति विकसित की है। आस्था ना तो किसी अंधविश्वास का नाम है और ना ही भोजन, वस्त्र और पूजा पाठ को लेकर किसी तरह की कट्टरता का। आस्था श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्य है। आस्था विवेक का आहार नहीं करती, बल्कि विवेक की बाह पकड़कर चलती है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर नए नजरिए से सभी को कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों की नेम प्लेट के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।